साथियों, सिट्टू समेत तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर कल 26 तारीख को देशव्यापी हड़ताल होने जा रही है। हम सभी साथी जानते हैं, पिछले एक महीने से इस हड़ताल की तैयारियों को लेकर पूरे देश के अंदर गांव-गांव में कर्मचारियों के दफ्तरों के अंदर फैक्ट्रियों के अंदर यह अभियान हमारा चल रहा है। सरकार इस समय पे जो श्रम कानूनों को बदलकर लेबर कोड लेके आई है, वो लेबर कोड नहीं है, वो मजदूर वर्ग के ऊपर कोड की तरह लादे गए हैं। इसके साथ ही किसानों के लिए, खेती के लिए खाद्य सुरक्षा के कानूनों को पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। इसके खिलाफ जो लड़ाई चली हुई है पिछले 6 महीने से, एक तरफ देश की जनता कोरोना से लड़ रही है, दूसरी तरफ सरकार जो दुश्मनीपूर्ण व्यवहार कर रही है, जिसमें आप देख सकते हैं सरकारी नौकरियों पे पाबंदी है, ठेका कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिल रहा है, चाहे गांव का सफाई कर्मचारी है, आशा बहने हैं, आंगनबाड़ी की हेल्पर वर्कर हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, गांव का चौकीदार है, मनरेगा का वर्कर है, उसको जो सरकार की जिम्मेवारी बनती थी उनको नहीं मिल रहा है। इसके खिलाफ गुस्सा पैदा हो रहा है और इसे गुस्से का प्रकटीकरण कल 26 तारीख को पूरे देश में होने वाला है। इसके साथ ही साथियों, सरकार ने जो 24 और 25 तारीख की रात को जो दमन का तरीका अपनाया है, किसानों खेत मजदूर के नेताओं को घरों से उठाया है, पुलिस का इस्तेमाल गुंडों की तरह किया है, उसका जवाब हमें कल 26 तारीख को देना है। मेरी तमाम साथियों से, चाहे वो गांव का चौकीदार है, गांव का सफाई कर्मचारी है, मनरेगा का वर्कर है, निर्माण मजदूर है, आशा वर्कर है, मिड डे मील वर्कर है, आंगनबाड़ी हेल्पर वर्कर हैं, चाहे ठेका कर्मचारी हैं, तमाम साथी कल अपने काम को बंद करके घरों से निकलें, प्रदर्शनों का हिस्सा बने। रोहतक जिले के अंदर 3 स्थानों पर हमारे प्रस्तावित प्रदर्शन और सभाएं होनी हैं, जिसमें पहला महम के अंदर 24 के चबूतरे पे 10 बजे इकट्ठा होंगे, तमाम साथी महम ब्लॉक के वहाँ पहुँचें। इसके अलावा सांपला के अंदर छोटू राम पार्क में इकट्ठा होंगे। तमाम साथियों से अपील है, सांपला ब्लॉक के साथियों से, कि वो छोटू राम पार्क में 10 बजे तक सांपला में पहुँचें। जहाँ तक मानसरोवर पार्क रोहतक में जो हमारी सभा और विरोध कार्रवाई होनी है, लाखन माजरा, रोहतक, रोहतक ग्रामीण और शहर, इसके साथ कलानौर ब्लॉक, ये साथी मानसरोवर पार्क रोहतक में पहुँचें और सरकार ने जो चुनौती मजदूरों को, किसानों को दी है, उसका करारा जवाब, जैसे हमेशा लाल झंडा सिट्टू देता आया है एकता के साथ। और सभी साथियों से ये भी अपील है, हमें एकजुटता दिखानी है, जहां एक और कोरोना महामारी के साथ मजबूती से लड़ना है, सभी साथी मास्क लगा के आएँ, काम छोड़ के इन प्रदर्शनों का हिस्सा बने। सिट्टू जिला कमेटी रोहतक की ओर से अपील है के तीनों ब्लॉकों के आयोजनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी करें, सड़कों पे उतरें। CITU की ओर से यही अपील करते हुए, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, उनको पहले भी हराया है, अब फिर हराएंगे, और मजदूर किसानों की एकता के दम पे सरकार को झुका के दम लेंगे। धन्यवाद।